आज हम बात करेंगे, देखेंगे M3 इंडस्ट्रियल सिटी फेडमी की बात करेंगे, फेडवे की बात करें तो साइया वाला इंटरचेंज के बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर ये फेडमिक जोन आता है। एक्सप्रेस वे आप देख रहे हैं फैसलाबाद की, और इसका हम एरियल व्यू देख रहे हैं ड्रोन की मदद से, और आपको इसका अहाता जो है वो विज़िट करवाया जा रहा है। किस तरह से फेडमिक जो है वो फैसलाबाद के साउदर्न एरिया के ऊपर फैला हुआ है, और आने वाले वक्त के अंदर ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल स्टेट होगी। M3 इंडस्ट्रियल सिटी मेन एंट्रेंस गेट देखिएगा, और इस मेन एंट्रेंस गेट के चारों तरफ भी आप नज़ारा ले सकते हैं। अभी ये डेवलपमेंट फेजेस के अंदर है, इसके अंदर जो सिविल आप देख सकते हैं, सिविल का जो काम है वो बिल्कुल तेज़ी के साथ जारी सारी है। आप ये 100 फीट मेन ट्रेडर रोड को देख रहे हैं, और इसका ये एक मेजर आई बर्ड व्यू देखिएगा, और इसमें ये पाकिस्तान और चाइना सी पैक का एक यानी कि हिस्सा है फेडमिक, फैसलाबाद इंडस्ट्री स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मैनेजमेंट। और इसमें आप ये देखें, यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, और ये मोटरवे से फैसलाबाद की तरफ का नज़ारा देख लें। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंट प्लॉट्स की शक्ल में कंपनीज आएंगी, अपनी कंपनीज को लगाएंगी। कमर्शियल जोन्स मौजूद हैं यहाँ पे, हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो डिवेल्प की जाएंगी, जो डिवेल्प की जा रही हैं। फूड प्रोसेस इंडस्ट्री लग चुकी है काफ़ी हद तक, कोका कोला की बात कर लें, ग्लास गन की बात कर लें, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ टर्किश कंपनीज जो हैं यहाँ पे अपने फैक्ट्रीज़ लगा चुकी हैं, लेकिन बहुत सारा एरिया जो है वो अभी डेवलप करना बाकी है, बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज़ जस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड NLC और कंसल्टेंट के अंदर बात की जाए तो गवर्नमेंट फेडमिक ने कंसल्टेंट हायर करके इसकी पूरी एक प्लानिंग करवाई, मैपिंग करवाई, और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम जारी हो सारी है। और बेस्ट दुनिया की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इस इंडस्ट्रियल जोन को मद्देनज़र रख के जो बेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे जो कोरियन कंपनीज आ रही हैं, जापानीज़ कंपनीज आ रही हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करने जा रही हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वाटर लॉग एरिया आपके लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, ये फेज़ वन है जो कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर NLC ने कंस्ट्रक्ट किया है। तो बहुत सारी कंपनीज़ यहाँ पे आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी, तो उस लेवल पे उनको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेन राउंड अबाउट है, और इसके ये ड्रोन के कुछ ये फेज़ वन भी अंडर कंस्ट्रक्शन, ये जब वीडियो बनाई जा रही है तब ये NLC अंडर कंस्ट्रक्शन पोजेशन में है। और यहाँ पे आप ये देखें, ये इंडस्ट्री लगी हुई है, स्टील मिल ऑलरेडी देयर, एंड यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज़ ओवर हेयर। और यहाँ पे आपको एरियल व्यू से काफ़ी अंदाज़ा होगा कि आने वाले टाइम के अंदर इस एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट की भरमार होगी कि आपको यहाँ पे ये हरियाली नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री होगी, क्योंकि इट्स वेरी इनरिच एरिया एज लॉन्ग एज इट कंसर्न्स विद द रीजनल इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजीज एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे हर तरह की इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट जोन्स बना दिए गए हैं, डिफरेंट तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी गई हैं, और यहाँ पे चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से डेवलप किए। फेज़ टू ऑन राइट साइड एंड फेज़ टू बी ऑन लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं, और इन चीज़ों को आप देखेंगे किस तरह से ये बहुत ज़्यादा एरिया, फेडमिक की बात की जाए तो वो 4,500 एकड़ के ऊपर मौजूद है, अलामक वाले इंडस्ट्रियल सिटी की बात की जाए तो वो 3,500 एकड़ पे मौजूद है। यहाँ पे डिफरेंट तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए डिफरेंट तरह के जो मॉडल्स हैं वो इंस्टॉल किए जा रहे हैं, सीवरेज का बड़ा अच्छा सिस्टम है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम, और फिर ग्रिड स्टेशन लगाए जा रहे हैं, वाटर जो एक आपके STP प्लांट्स हैं उनकी बड़ी एक अच्छी कैपेसिटी है, मिलियन गैलन्स पर डे कैपेसिटी वाले वो प्लांट्स मौजूद हैं जो इंस्टॉल किए जा रहे हैं साथ साथ। और अभी आप देखें किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन साइट आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे डिफरेंट तरह की फिलिंग्स हो रही हैं, आपके ग्रे स्ट्रक्चर्स को तैयार किया जा रहा है, आपकी मशीनरी देख सकते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देख सकते हैं, अनडेवलप्ड एरिया भी आपके सामने है जहाँ पे डिफरेंट तरह की हरियाली आपको नज़र आ रही है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्रोजेक्ट्स की बिड हो चुकी है, कुछ को अभी डिज़ाइन किया जा रहा है और स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, बिकॉज़ ये अभी प्रोजेक्ट जो है अपनी पीक के ऊपर है, एंड विद इन नेक्स्ट 10 ईयर्स देयर वुड बी नो इंच लेफ्ट बिहाइंड, हर कंट्री से इंडस्ट्री यहाँ पे आके लगेगी। और ये फेज़ 2A है जो आपके सामने आपको दिखाया जा रहा है, और यहाँ पे आप ड्रोन के पंखे भी देख सकते हैं साथ साथ, और साथ में ये देखें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको फिर ये ना ख़त्म होने वाला रोड दिखाई दे रहा है। ये हम अब रोड के अलॉन्ग
अपने ड्रोन को लेके जा रहे हैं, और नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बड़े खूबसूरत तरीके से ये रोड को यानी कि बनाया गया है। अच्छी खासी फैसिलिटीज मौजूद हैं यहाँ पे, और आने वाले टाइम के अंदर इंडस्ट्री के इस इंटीग्रेशन से बहुत फ़ायदा होने वाला है, एक लोकल जो आवाम है उसको भी, बिकॉज़ उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या फ़ायदा होगा कि वो एक इंडस्ट्री की इंटीग्रेशन को बढ़ा पाएंगे, एक बेस्ट फैसिलिटी जोन के अंदर अपने आप को एक ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, क्वालिटी वाली फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जो जो इंडस्ट्रियल। ये देखें हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इंडस्ट्री नज़र आ रही है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा दिए गए हैं, ये गालबन टर्किश कंपनीज़ हैं, और कुछ केमिकल प्लांट्स भी लगे हुए हैं, कुछ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी लगे हुए हैं, और कुछ एरियाज़ आपके राइट साइड पर कुछ नज़र आ रहे हैं, इनकी जो एक कंपैक्शन का काम चल रहा है, और डिफरेंट तरह के जोन्स यहाँ पर बिक चुके हैं, कंपनीज आनी शुरू हो चुकी हैं, और ये फेज़ 2A एंड पॉइंट एट जुमरा रोड।